विश्व रंग जब 2019 में शुरू हुआ तो अपने लंबे समय के काम के बाद हमें ये महसूस होने लगा था कि हिंदी और भारतीय भाषाओं के सामने इस समय एक अद्भुत अवसर उपलब्ध है और तकनीक ने भी ये संभव बनाया है कि हम अब अपनी भाषाओं को संप्रेषित कर सकें। नए फॉन्ट्स आ गए हैं, ट्रांसलेशन के टूल्स आ गए हैं, तो जो वातावरण भी भाषा के पक्ष में था, भारत एक आर्थिक शक्ति बनता जा रहा है तो वो भी उसके संतुलन पक्ष में था और भारतीय भाषाओं की जो अपील अब बढ़ी है, लंबे समय से प्रवासी भारतीय निवास कर रहे हैं, नए तरह के प्रवासी भारतीय वो उस देश में हिस्सेदारी भी करते हैं, तो इस सबको देखते हुए हमें लगा कि हम एक वैश्विक हिंदी का कार्यक्रम करें और वो सिर्फ हिंदी और भाषाओं का नहीं होगा बल्कि अन्य कलाओं के साथ भी अंतर्क्रिया करेगा। तो पेंटिंग भी शामिल है, संगीत भी शामिल है, नाटक भी शामिल है, क्योंकि ये दुनिया पूरी इन्फ्यूज हो गई है, मतलब एक दूसरे के बीच में जाना आना इतना हो गया है, कलाओं के बीच में भी आवाजाही है, तो एक अद्भुत कॉन्सेप्ट था। ऐसा लगा कि दुनिया इसका इंतज़ार ही कर रही थी और पहले ही अटेम्प्ट में 12 देश आए थे, इस बार लगभग 35 से ज़्यादा देश आ रहे हैं और 50 देशों में ऐसे समूह बन गए हैं जो भारतीय संस्कृति के पक्ष में वहाँ काम कर रहे हैं, ये एक बड़ा लीप फॉरवर्ड है। शुरुआत से ही हमने दो लोगों को अपना आइकॉन माना, एक पहले से ही थे, ये दो लोग थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनके नाम पर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय है और जिनकी अंतर्राष्ट्रीयता और वैश्विकता पूरे विश्व में उनका बड़ा सम्मान है। एक बहुत अच्छी बात ये हुई कि हमने टैगोर के नाम से ये शुरू किया तो वो हॉलैंड में भी जाने जाते हैं, इंग्लैंड में भी जाने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में भी जाने जाते हैं, पूरे विश्व में जाने जाते हैं, उनके नाम लेते ही लोग श्रद्धा से प्रणाम करते हैं, तो उनकी अंतर्राष्ट्रीयता। और दूसरे गांधी का जो प्रेम का संदेश था, करुणा का संदेश था, इस समय युद्ध और स्थापन की जो स्थितियाँ हैं, तो ये संदेश वैसे ही विश्व को अब और विश्व बंधुत्व का संदेश हमारे वैदिक परंपरा से निकलता है, उसका भी बहुत स्वागत होता है। आपने विकास की बात करी, असल में हुआ ये कि धीरे धीरे जिस तरह से विज्ञानवादी विश्व बना है उसमें विकास की कल्पना में प्रकृति के साथ समन्वय को भुला दिया गया है और प्रकृति एक विरोधी की तरह देखी जाती रही है, तो प्रकृति से जो समन्वय बिगड़ा है उससे ये सारी चीज़ें, अब आपने वैश्विक महामारी देखी, जब आप जेनेटिक टेक्नोलॉजी को वहाँ तक ले जाएंगे कि आप जीन्स में ही बदलाव करें, आप मनुष्य की क्लोनिंग करने के बारे में सोचने लगे तो बहुत गलत है। किसी राइटर्स को, वैज्ञानिकों को खड़े होकर कहना पड़ेगा भाई ये दिशा गलत है, ये दिशा सही है। देखिए हमारा तो वैसे ऑनलाइन भी विश्वरंग बहुत अच्छा हुआ था, लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने 2020 में उसको देखा था, उस समय भी इसकी बड़ी डिमांड मांगी गई थी और टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग हो सकता है ये लोगों ने समझा था, लेकिन इस बार तो अद्भुत उत्साह है। जो पुस्तक यात्राएं निकाली गई, देश में 500 स्थानों पे गई, बच्चे ही बच्चे, मतलब सारे स्कूल कॉलेज के बच्चे और पेरेंट्स, और लगभग 50,000 लोगों ने पुस्तक यात्राएं अटेंड करी। फिर अभी जो कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं जो विभिन्न विषयों पर हैं, ऑनलाइन भी हो रही हैं, ऑफलाइन भी हो रही हैं, उसमें भी हज़ारों की संख्या में लोग, पेंटिंग कॉम्पिटिशन भोपाल में हुआ तो 2,500 बच्चे एकत्र हो गए, उन्होंने पेंटिंग की और हमें रोकना पड़ा कि बच्चों भैया सॉरी अगली बार हम बड़ा कैंपस लेंगे उसमें आइए। और उसके बाद में कौशिकी चक्रवर्ती के गायन में रविंद्र भवन ओवरफ्लो हो गया था, बाहर 400-500 लोग थे, अंदर नहीं गए। और उसके बाद जब नाटक कल हुआ है तो उसका भी एक बड़ा व्यापक संदेश गया है और हमने रामायण को नए तरीके से प्रस्तुत किया तो भारतीय नाटककला केंद्र दिल्ली की ओर से, उसमें रविंद्र भवन का जो खुला परिसर था उसमें कम से कम 2,000 लोग थे, खड़े होने की जगह नहीं थी जी। इतना मुझे लगता है कि बड़ा व्यापक स्वागत विश्वरंग का हो रहा है पूरे देश में, पिछली बार से तो उत्साह बहुत ज़्यादा है जी। और मुझे लगता है कि ये ऑफलाइन, ये ब्लेंडेड मोड में होगा तो सारी चीज़ें ऑनलाइन भी जाएंगी और ये भी ऑफलाइन भी चलेंगी। दो सत्रों के बारे में कहूँगा, एक तो यदि वैचारिक सत्रों का आप पूछें जी, तो भारतीय ज्ञान परंपरा पर 3 सत्र हैं, उसमें प्रख्यात राजनयिक और चिंतक पवन वर्मा उसकी शुरुआत करेंगे जो शंकराचार्य और अद्वैतवाद पर बात करेंगे, उसके बाद का एक सत्र भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय वैश्विक प्रभावों के ऊपर है, तो माननीय सरस्वती जी जो इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस के हैं वो इस पर बात करेंगे,
और फिर मुकुल कानिटकर शिक्षा नीति पर बात करें, ये तीनों जो है आज के परिवेश को डिफाइन करते हैं जी। उसके अतिरिक्त मैं जो युवाओं में टेक्नोलॉजी और कंटेंट को लेकर बातचीत है, और जैसे ग्रामीण समाज से कहानियाँ आ रही हैं, अब तो अश्लीर ग्रोवर हैं या मनोज बावा हैं, रसिका दुग्गल है, ये बच्चों के बीच में जी घर के उत्साह का वातावरण क्रिएट करेंगे। फिर शाम के सारे बैंड जो हैं लोकप्रिय बैंड में मैथिली ठाकुर पहली बार भोपाल आ रही हैं, तो उनका भी बड़ी व्यापक मांग है। मुशायरा हर समय हिट होता है, तो एक अंतर्राष्ट्रीय मुशायरा भी शाम, सभी सत्र बहुत दिलचस्प हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो चिल्ड्रन फेस्टिवल हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशन हमें 10,000 पे रोकने पड़े, मतलब इतने बच्चे भोपाल के आना चाहते हैं, सारे स्कूल कह रहे हैं कि आप और बड़ा करिए, तो 10,000-12,000 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा लिया, अब हमें रोकना पड़ा है जी। इस तरह पूरा ही फेस्टिवल बहुत शानदार, पेंटिंग पर बहुत अच्छे सेशंस हैं, हमने जो देश के बड़े पेंटर्स हैं उन पर मोनोग्राफ्स भी बनाए हैं, वो मोनोग्राफ भी रिलीज हुआ, पेंटिंग पर बहुत दिलचस्प बातचीत जी। कविता के वर्ल्ड पोएट्री के सेशन से आपने देखा ही कि फ्रांसिस आए हुए हैं, बोएज आए हुए हैं, और भी पोएट्स हैं, तो वो सारे लोग वर्ल्ड पोएट्री भी बहुत बढ़िया। वेल मैं तो सभी तरह के संगीत सुनता हूँ, संगीत का मैं बड़ा प्रेमी हूँ जी, और मैं जैज का बड़ा प्रेमी हूँ, तो जैज संगीत मेरा अभी भी, मैं वुडस्टॉक है या रईस खान साहब और शंकर जयकिशन की जार यात्रा थी, लेकिन आज के समय में मुझे कबीर कैफे बहुत अच्छा लगता है, वो ऐसे ब्लेंडिंग करता है कबीर की उसके साथ में, फिर के भी चले गए, के आए थे तो उनको भी हमने सम्मान सुना था, मुझे रघु दीक्षित बैंड भी पसंद है, और एक सुखन की महफिल होती है तो वो भी मेरे बहुत निकट, ओम भूतकर जी जी, तो इस तरह जहाँ क्लासिकल और मॉडर्न की ब्लेंडिंग होती है मुझे वहाँ फ्यूजन ज़्यादा अच्छा लगता है, और जैज मेरा रीसेंट से, पर शास्त्री की बात मत भूलिएगा, शास्त्री में मेरे सारे बहुत सारे बड़े गायक हैं मेरे फेवरेट, मैं तो पहले जल तरंग बजाया भी करता था, इसमें शास्त्रीता के प्रति भी विचार जी।